गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बच्चे लाइन में खड़े हैं। और इस वीडियो का बनाने का जो मेरा मेन उद्देश्य है, एक पेरेंट्स का फ़ोन आया था कि सर, सब कुछ का वीडियो तो बनाकर आप डालते हैं, जो खाना आप विद्यालय में देते हैं उसका भी वीडियो एक बार बनाकर डालिए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, आज मौका है और आज कोई वीडियो नहीं बन पाया था, तो आज तो रात्रि के समय में मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो इसी के ऊपर बनाया जाए, बच्चे किस प्रकार से यहाँ खाना खाते हैं। सभी बच्चे लाइन में खड़े हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, इधर कुछ सीनियर्स जो हमारे विद्यालय के हैं, जो इधर उधर टहल रहे होंगे वॉलेंटियर के तौर पे, उनका काम है बच्चे को लाइन लगवाना। या देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पानी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इसके अलावा आप देखिए, इधर बफ सिस्टम में खाना लगा हुआ है, जिन्हें जो खाने का मन है और वो खा सकते हैं। देखिए, यहाँ रोटी और सब्जी रखा हुआ है। हालांकि मैं आपको इधर भी दिखा दूँ, कुछ चावल जो दिन का मॉर्निंग का नहीं सॉरी दोपहर का था वो भी रखा हुआ है। जिन्हें इच्छा है वो लेते हैं, जिन्हें इच्छा नहीं है वो नहीं लेते हैं, किन्हीं का जोर ज़बरदस्ती नहीं है। हालांकि 95% बच्चे जो ऐसे हैं, उनका चॉइस होता है कि हमें भी चावल चाहिए, लेकिन उतना हो नहीं पाता है क्योंकि रात का समय रहता है। ये मैं बता दूँ, आपको क्लियरली कर दूँ, ये जो चावल है ये दोपहर में बना, कब बना आप लोग बता दो? दोपहर में ना, 3 बजे, 2 बजे से 3 बजे के आसपास नहीं, तो इसी समय बच्चे खाना खाते हैं, उसी समय बना हुआ रहता है। तो कुछ चावल जब बच जाता है, बच्चे नहीं खा पाते, तो वो चावल रखा हुआ रहता है, फिर बच्चे उसे रात में खा लेते हैं। आप देख सकते हैं बच्चे किस प्रकार से डिसिप्लिन मेंटेन करके पहले यहाँ पानी लेते हैं बच्चे, पहले बच्चे को प्लेट और ग्लास दे दिया जाता है, उसके बाद का मैं वीडियो बनाया हूँ। बच्चे को प्लेट और ग्लास दे दिया गया था, उसके बाद बच्चे यहाँ आएंगे और पानी लेंगे। पानी लेने के बाद फिर से इधर लाइन लग जाएंगे। लाइन लगने के बाद फिर इधर आकर रोटी और सब्जी लेकर चले जाएंगे। कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इस वीडियो में एक पेरेंट्स का ही फ़ोन आया था कि सर, आप सब कुछ का तो वीडियो बनाते हैं, खाने का वीडियो बनाकर डालिए, हॉस्टल वाले बच्चे खाते कैसे हैं। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर मेरा ये वीडियो है। उनसे गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगा कि कृपया आपकी खातिर इस वीडियो को हम बनाएं, तो आप बिल्कुल से बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर दें। ये देखिए, गर्ल्स लोग हैं और इन लोग का खाना मिल गया है। ये देखिए, खाना इन लोग का मिल गया है, जिससे बच्चियाँ आपस में बैठकर मिल खाना खा रही है, सर्व कर रही है, अभी शर्म आ रही है। देखिए, ये लोग हैं काफ़ी खुश रहते हैं। हालांकि दो गर्ल्स घर गई है ना, दो गर्ल्स घर गई है। इसके अलावा स्टूडेंट लोग जो भी हैं, मैं आपको दिखाऊं आगे। ये देखिए, तो ये बच्चे, ये लोग अपना रोटी और सब्जी लेकर आकर बैठ गए हैं। और थोड़ा लाइट का भी समस्या काफ़ी ज़्यादा है, मैंने अभी जनरेटर बंद करवाया है। अच्छा, जनरेटर अभी बंद हुआ है ना? अभी तक चालू था ना, मैंने वीडियो बनाने के तुरंत पहले मैंने जनरेटर को बंद करवाया है। लाइट आज दिन भर परेशान है, क्या अरमान, आज दिन भर परेशान है ना लाइट? Yes. दिन भर जनरेटर चला है, मतलब 1-2 घंटे बंद करके दिन भर चला है जनरेटर। आप लोग का हो गया ना गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र किए थे ना? गायत्री मंत्र करके ही बच्चे खाते हैं विद्यालय में। उससे पहले मैंने और भी कई वीडियो, हालांकि गायत्री मंत्र का खाने के प्रति कोई वीडियो नहीं बन पाया था, लेकिन मैं बता दूँ, सभी बच्चे गायत्री मंत्र कर ही खाते हैं। बच्चे जाते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं, गायत्री मंत्र करने के बाद अपना खाना ग्रहण करते हैं। आप सभी पेरेंट्स, आप अपने बच्चे को देखिए, गुड वाला कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए उन लोगों के साथ जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है, जिन्हें लगता है कि परिवर्तन दस स्कूल में बच्चे किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से खाना दिया जाता है, तो आप उनके साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मैं बता दूँ, लाइट का समस्या आज पूरे दिन से है। जनरेटर अभी बंद हुआ है ना, वीडियो बनाने से तुरंत पहले बंद हुआ है, इसलिए मैंने बंद करवाया। यदि जनरेटर चले का आवाज़ आएगा तो फिर वीडियो सही से नहीं बन पाएगा, इसके लिए मैंने जनरेटर को बंद करवाया। हालांकि पानी मोटर का भराया था ना जनरेटर से, मैंने भराया था ना। आप सभी बच्चे ही जवाब देंगे, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बच्चे झूठ बोलें या फिर मैं झूठ बोलूँ, नहीं, सही बच्चे ही जवाब देंगे। तू इधर क्या घूम रहा है? चलो पीछे, आप देख सकते हैं इस वीडियो में बच्चे घर अपना बैठकर सब खाना खाते हैं, उसके बाद
बच्चे सोने के लिए जाएंगे ऊपर। तो वीडियो में आपने देखा अभी, हालांकि कुछ बच्चे अभी भी लाइन में खड़े हैं, मैं फुल वीडियो बनाता हूँ उसके बाद ही वीडियो को ख़त्म करेंगे। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूँ, मैंने अब आज के वीडियो में मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे विद्यालय में जो है वो खाने की व्यवस्था कैसे है, क्या चीज़ का सब्जी बना हुआ है। परेशान निशान थोड़ा बता दो, आलू और परवल, रोटी नहीं, रोटी और आलू परवल का सब्जी, मजे ही मजे नहीं आता है, मजा ही मजा है कि नहीं मजा। जैसे ही वीडियो खत्म होगा ना, जनरेटर हम चालू करवा देते हैं। वीडियो के कारण हमने जनरेटर को बंद कर रखा है। और क्या दिन भर लाइन कटा हुआ था कि नहीं, तुम लोग बताओ? यस सर, दिन भर कटा था। दिन भर जनरेटर चला है कि नहीं चला है? यस सर, चला है ना। यस सर, लाइट की समस्या आज सबसे ज्यादा इस महीने में, आज सबसे ज्यादा लाइट, हालांकि अभी दो तीन दिन चार दिन ही हुआ है, लेकिन लाइट की समस्या सबसे ज्यादा आज है। बच्चे का लाइन तकरीबन खत्म होने वाला है, इसके बाद जो बच्चे यहाँ सर्व कर रहे हैं भोजन, वो बच्चे जाकर अपना प्लेट लेकर वो भी खाएंगे, उससे पहले कि और बच्चे कोई पर्सन लेने के लिए आ जाएं, सेकेंड टाइम लेने के लिए आ जाएं, उसके बाद ये सभी बच्चे भी खाएंगे अपना भोजन, उसके बाद मैं खाऊंगा, क्या सही है कि नहीं? तो वीडियो को लंबा नहीं करते, वीडियो को ही समाप्त करने की कोशिश करते हैं। और वीडियो में आपने अभी देखा कि बच्चे हमारे विद्यालय में, हमारे हॉस्टल में किस प्रकार से खाते हैं। इधर गर्ल्स साइड में भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आज के वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, गुड वाला कमेंट करिए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।